सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। वैसे कितने लोग आएंगे आप लोगों की तरफ से? वो बस हम और पापा ही हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन अगर आप कुछ और लोगों को भी बुलाना चाहें तो जरूर हमें बता दीजिएगा। दरअसल काम थोड़ा ज्यादा है और समय थोड़ा कम, इसलिए जो भी जिम्मेदारियां हैं हम सबको मिलजुल कर उठानी होंगी। गौतम नवेली जी माँ, शादी का वेन्यू, केटरिंग, वहां का डिकोर, ये सब कुछ तुम दोनों की सुपरविजन में होगा। जी माँ, इन वेडिंग प्लानर्स पे जरा भी भरोसा नहीं है मुझे। माँ आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, अंगद की शादी इतने धूमधाम से होगी कि सारा शहर देखता रह जाएगा। क्यों ना भाई? ऑफ कोर्स। धमाल तो करना ही पड़ेगा, वरना इस सृष्टि नाम का बॉम्ब मेरे सर पर परमानेंटली आकर टिक जाएगा। आइए, मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे बेटा कोई बात नहीं, सृष्टि ने कैब बुलवाई है, हम लोग चले जाएंगे उसी में। ठीक है पापा, फिर आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं जल्दी आऊंगा आपसे मिलने। बिल्कुल बेटा। बेटा हम गाड़ी में चल के बैठते हैं, ठीक है? बाय बेटा। अंगद, आप अपनी फैमिली को हमारे पास्ट के बारे में बता दीजिए ना, हम नहीं चाहते कि उनको किसी और तरीके से पता चले और उन्हें ऐसा लगे जैसे सच्चाई छुपाकर हमने उनके साथ धोखा किया है। क्यों ना ऐसी सिचुएशन आएगी तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, आप प्लीज बता दीजिए ना उनको। बिल्कुल चिंता मत करो सृष्टि, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, आई हैंडल इट। ओके, बाय बाय। सृष्टि इज राइट, इससे पहले कि बहुत देर हो मैं सबको बता देता हूं। क्या कर रहा है तू अंगद? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? सृष्टि के बारे में माँ से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं, जब तुझे उसके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पूरी दुनिया के सामने क्या बोलना? जस्ट लेट इट बी अंगद। नो, आई कांट जस्ट लेट इट बी। हक जानने का हक सबको है, क्यों? वो तेरी लाइफ पार्टनर है और तुझे उसके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बाकी उसे क्या लेना देना? तू पुरानी बातें खोदकर दुनिया को मौका दे रहा है सृष्टि पे उंगली उठाने का। दो सेकेंड लगेंगे, सब जजमेंटल हो जाएंगे, लेकिन मैं अपनी फैमिली से झूठ कैसे बोल सकता हूं? ठीक है तो फिर सृष्टि को भूल जाता हूं। ओके, माँ को जानता है ना तू, बचपन याद है ना तुझे? माँ तुझे शार्पन पेंसिल भी यूज नहीं करने देती थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेकेंड हैंड हो जाती। तुझे लगता है कि सृष्टि का सच जानने के बाद माँ तेरी सृष्टि से शादी करवा देंगी?
जस्ट चिल अंगद, किसी से कुछ मत कह, क्योंकि अगर तू किसी से कुछ नहीं कहेगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतना लविंग, केयरिंग और हैप्पी एनवायरनमेंट पॉली मत करे, तू सिर्फ अपनी शादी पे ध्यान दे, वरना अभी से सृष्टि को हमेशा के लिए बाय कहना पड़ेगा। जिद क्यों कर रही हो कल्याणी? चलो घर चलते, हम सिस्टर और पापा का इंतजार कर रहे हैं। अरे हमें भी तो सुनना है कि अंगद के घर पर क्या बात हुई है। तो फोन पे पूछ लेना, तुम जानती हो ना कि यश हमारे बिना ना तो कुछ खाता है ना सोता है। तुम कह रहे हैं ना, तुम जाओ, हम आते हैं। हाँ जाओ। अरे बहुत ही अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। अंगद के यहाँ पर क्या बात हुई? कैसे हो बेटा, कब आए? बस कुछ ही देर हुई पापा जी, कल्याणी को लेने आया था। आपकी तबीयत कैसी है? एकदम बढ़िया। अब सृष्टि तुम कुछ बोल रही थी ना, अब बताओ ना। देखो बेटा, तुम लोगों को आए हुए बहुत समय हो गया है। यश घर पर अकेला होगा फिलहाल, तुम लोगों को घर जाना चाहिए। बातों का क्या है, बातें तो होती रहेंगी, फिर बता देंगे क्या हुआ था। पापा अगर हमें कुछ नहीं बताना है तो बोल दीजिए ना हमारे मुंह पर। अरे बहाना बनाकर हमारी यूं बेइज्जती काहे कर रहे हैं? हमारी शादी तय हो गई। आज से 15 दिन बाद का मुहूर्त है। ये तो बहुत अच्छी बात है सृष्टि, मुबारक हो। थैंक यू। क्या हुआ पापा, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं जो हमें सबसे छुपाना पड़े, और वैसे भी आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही है ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जैसे हैं हमारे पूरे अतीत के साथ अंगद हमें एक्सेप्ट कर रहा है। अरे बधाई हो सृष्टि, परमत बाबा तुम्हारी नई जिंदगी में तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। ये बात सुनकर तो हम बहुत ही खुश हो गए हैं। क्या कर रहे हैं, चलिए ना अभी, यस इंतजार नहीं कर रहा है का, चलो। अच्छा पापा जी, फेरों के लिए आम की लकड़ियां चुनो, हम तुम्हारे लिए चंदन की लकड़ियां लाएंगे। मंडप से पहले तुम्हारी खुशियों की चिता ना जलाई तो हमारे नाम भी कल्याणी नहीं। बेटा शादी वो मोड़ है जो इंसान की लाइफ बदल देता है, इसे इंसान कभी नहीं भूलता, इसलिए इसे यादगार बनाना चाहिए। खुश। कैसी वेडिंग चाहिए तुम्हें? डेस्टिनेशन क्रूज में या फिर पैलेस? माँ लेट्स कीप इट सिंपल। माँ प्लीज, मैं नहीं चाहता कि सृष्टि या उसके डैड बिल्कुल अनकंफर्टेबल है। डोंट वरी एट ऑल, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। तुझे भी ये समझना चाहिए ना कि ये जयसवाल खानदान के बेटे की शादी है, सो सारी तैयारियां उसी हिसाब से होनी चाहिए। Wait, I'll show you something. I want to show you something. Interesting, it'll be fun. Let's see. I'm sure you've forgotten this, but
याद दिलाती हूँ। ये देख तेरा पहला स्कूल। उस समय शहर का बेस्ट स्कूल होता था ये। आज भी है। और ये फिर कॉलेज, और ये मेरी पहली बाइक। उस समय की सबसे महंगी बाइक थी ये। और इस गाड़ी के लिए तूने कितनी जिद की थी, जिसके लिए तूने 4 दिन तक खाना नहीं खाया था। उस समय की बेस्ट कार थी। थैंक यू सो मच। बेटा, हालत चाहे कैसे भी रहे हो, मैंने और तेरे पापा ने हमेशा तेरे लिए बेस्ट चीज चुनी। And I'm so happy. I know that. कि आज तूने अपनी पत्नी भी बेस्ट चुनी है। सृष्टि तेरे लिए परफेक्ट है बेटा। वो जितनी समझदार है उतनी ही साफ दिल की। जो बात उसके मन में होती है वही जुबान पर। मैंने इतनी अच्छी लड़की आज तक नहीं देखी। आप जब दूल्हा दुल्हन बेस्ट हो, वेडिंग तो बेस्ट होनी चाहिए ना। क्यों बेटा नवेली और गौतम? बेटा मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं माँ, आप बिल्कुल सही कह रही। हाँ माँ। पापा क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? बेटा तुम्हें कल्याणी को अपनी शादी की तारीख नहीं बतानी चाहिए थी। आप पहले दवाई लीजिए। उसे क्या होता पापा, आप ना बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, आप जानते हैं ना कल्याणी दीदी को, वो शांत नहीं बैठती, किसी ना किसी तरीके से पता लगा ही लेती, और फिर उन्हें बुरा लगता कि हमने नहीं बताया। दुख होता इस बात का, इसीलिए हमें लगा कि हम सामने से ही बता देते हैं। पापा अब बेकार में ही टेंशन ले रहे हैं। कल्याणी दीदी अब बदल गई हैं, देखा नहीं हमारी शादी की बात सुनकर वो कितना खुश हो गई थी। हमें नहीं लगता कि अब वो पहले की तरह कुछ भी गलत करेंगी। कल्याणी पर भरोसा करने का मतलब समझती हो ना बेटा? जिंदगी भर सखिया आते रहेंगे क्या उस पे? पहले आपको वो एक आंख नहीं सुहाती थी, समझ में आता था है? लेकिन आप तो वो सुधरने की कोशिश कर रही है, अब भाई आपको चैन नहीं है। हमें तो समझ नहीं आता कि हमारी लड़की जाए तो जाए कहाँ। हमारे घर से दूर रहे बस। देखिए आप अपने रिश्तों के बिना रह सकते होंगे, ठीक है, लेकिन हम नहीं रह सकते। भगवान जाने कौन सा अकेलेपन का कुत्ता काट गया है इनको, एक के अलावा और कोई सुहाता ही नहीं। जा रही काड़ा लेके जा रहे हमारे बिटुआ के लिए। क्या हुआ है उसे? होगा का पेट खराब हो गया है, बाहर कुछ अटरम शटरम खाए रहेंगे। हाँ तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है जाने की, ले लेगा दवाई अपने आप। तुम उससे दूर रहो। अरे कैसे दूर रहे, माँ है हम उसकी, 9 महीने ही कोख में रखा है। आपको रिश्ते नहीं निभाने तो मत निभाइए, लेकिन हमारी जिंदगी में हमको तरास मत दीजिए बस। तरास तुम्हारे बेटे ने दिया था हम सबको, हम सबसे अपने रास्ते अलग करके, तो फिर रहने दीजिए उसे अकेला। जबरदस्ती रिश्ते मत बनाइए जाके वहां पर। अरे हमारे नजदीकी बढ़ाने से ना आपके रास्ते नहीं मिलने वाले, चिंता मत ही कीजिए।
पापा कोई बात नहीं ना, आप जाइए मम्मी जी। महारानी, आप क्यों मना कर रहे हैं मम्मी जी को? सार्थक की वजह से हमने अपने सारे रिश्ते खो दिए, अब अगर हम भी उसके साथ वही करेंगे तो उसमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? आप बताइए। पापा, हम जानते हैं आप क्यों परेशान हैं, मगर हमारा फैसला अब नहीं बदलने वाला। आप कैसा है तबीयत? ठीक है मम्मी, पर पेट में अभी भी दर्द है, आइए ना। हाँ हाँ, काढ़ा लाए हैं तुम्हारे लिए बना के। ये लो, इसको पी लेना ना, पेट में आराम मिलेगा। हाँ? पी लेना, बात की है। ठीक है, हम ही कर लेते हैं। मैडम, माहिरा बिटिया, अच्छा हुआ तुम्हारी यही मिल गई हमको। ओ, हम क्या कह रहे थे कि सार्थक को ना अब घर का खाना खाना चाहिए। वो बाहर का खाना खा के देखो ना, पेट खराब हो रहा है उसका, है ना? घर का खाना खाएगा तो स्वस्थ रहेगा। एग्जैक्टली आंटी, इसलिए तो घर में मेज खाना बनाते हैं, तो वो भी तो घर का ही खाना हुआ। हमारे कहने का मतलब वो नहीं था, हम तो ये कहना चाहते थे कि अब तुम दोनों शादी कर लो। अब प्यार तो करती हो ना हमारे सार्थक से, तो फिर इंतजार किस बात का, चट मंगनी और पट ब्याह कर डालो। मम्मी, वो अभी हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, जब कुछ तय करेंगे तो आपको बता देंगे, तब तक के लिए इस बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है। ठीक है, बेमतलब का ढोल पीटने का आदत नहीं है हमारा सार्थक, जानते हो ना हमारी आदत को अच्छे से, हा? कल्याणी नहीं है हम। देखो 15 दिन है आप दोनों के पास, इससे पहले पहले कर डालो बस। ऐसा क्या होने वाला है 15 दिन के बाद? लो, तुमको यही नहीं पता, पूरे शहर को पता चल गया है। अरे 15 दिन बाद उस रिश्ती मंडप पर बैठने वाली है शादी के लिए। अब जानती है आप कि वो ऐसा क्यों कर रही है? आप दोनों को नीचा दिखाने के लिए। हाँ, समझ रही हो हाँ? तो हम तो कहते हैं कि इससे पहले कि वो मंडप पर बैठे, आप दोनों शादी करके उसके अहंकार को चूर चूर कर दीजिए। सारा प्लानिंग है ना उस लड़की का फेल हो जाएगा। ज-
सृष्टि अपने लाइफ में क्या करती है और क्या नहीं करती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी वजह से अपने लाइफ में क्यों कॉम्प्लिकेशंस करूं? आनी वो तो ठीक है बेटिया। आप उस लड़की के बारे में बात करके हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए, बिकॉज़ वी सीरियसली नॉट इंटरेस्टेड। मम्मी हम कह रहे हैं ना, अरे मायरा हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे मना लेंगे। आप सिर्फ वो करो जो हम आपको करने के लिए कहे हैं। मम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम आ रहे हैं ना। अब तो वही होगा जो हम चाहते हैं, समझे? हाँ हाँ ठीक है, तुम चिंता मत ही करो, हम कर देंगे काम। हाँ बात साफ है, सार्थक और मायरा की शादी करानी है, सृष्टि का प्यार तोड़ना है। अरे हमें नरक में डालकर खुद खुद जन्नत पे राज करना चाहती है। हम तो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, और आज होगी हमारी बाजी की पहली चाल।